गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह का टाइम है, मैं अभी नहा करके आई हूँ। मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा जो बहुत देर तक सोई हूँ। बहुत आज ही क्या मतलब यहाँ पे जब से आई हूँ तो बहुत देर तक सो लेती हूँ। मायके में कोई टेंशन तो होती नहीं है, आप सभी को पता ही होगा। और यहाँ पीहू खड़ी है। हाय पीहू। पीहू उठ गई थी पहले ही। पीहू की तो आदत है जल्दी उठने की, तो वो मेरे से पहले उठ जाती है। नानू नन्नू के साथ रहती है। और आज पापा गए हैं जलेबी लेने के लिए मेरे कहने पे। मेरा मन हो रहा था जलेबी खाने का, तो मतलब जब से मैं आई हूँ मैंने कुछ भी बाहर का खाया नहीं है, मंगाया ही नहीं। पापा जी बोलते थे बट मैं मना कर देती थी, है ना पीहू? तो आज पीहू जलेबी खाएगी, खाओगी? और मम्मी बना रही है किचन में ब्रेकफास्ट। क्या बन रहा है? चिल्ला बन रहा है। तो आज पीहू का फेवरेट चिल्ला बन रहा है और मम्मा की फेवरेट जलेबी आएगी। मुझे पसंद है ना? मुझे पसंद है। आपको पसंद है? नहीं मुझे पसंद है। नहीं मुझे पसंद है, मेरी फेवरेट है। मेरे पापा गए हैं जलेबी ले रहे। मेरे नानू हैं। आपके नानू हैं? मेरे पापा हैं। आपके पापा हैं और मेरे नानू हैं। आपके नानू हैं? अच्छा, तो मेरे पापा पीहू के नानू है ना। और जो किचन में बना रही है वो मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी बना रही है ना, तो वो मेरी नन्नू हो गई। आपकी नन्नू हो गई और मेरी मम्मी है। कौन सी? किचन में जो बना रही हैं चिल्ला जो बना रही हैं वो मेरी मम्मी है। और फैन ऑन कर लीजिए, गर्मी लग रही है, फैन ऑन करिए। तो पीहू को गर्मी लग रही है और पीहू लाइट, हाँ ऐसे। तो पीहू बोल रही हैं जो किचन में खाना बना नाश्ता बना रही हैं वो मेरी मम्मा है। और आपकी? मेरी जो नन्नू है। आपकी नन्नू है? अच्छा, तो पीहू को पता है ये बात? पता है आपको? अच्छा, मुझे तो लग रहा था पीहू को नहीं पता होगा। पता है? अच्छा, तो चलिए देखते हैं मम्मी किचन में क्या बना रही है। वैसे पीहू बता रही है चिल्ला बन रहा है। चिल्ला नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है बताओ? टिकिया। टिकिया? तुम्हें पता सब रहता है, इधर देखो, पता सब रहता है। और हाथ में क्या है? इसका क्या नाम है? सतरंगी। सतरंगी? किसने कहा? ये नाम किसने रखा है इसका? हमने रखा इसका। आपने रखा? मैंने। मैंने, मैंने? तो यहाँ पापा जलेबी लेकर के आ गए हैं और कुछ फ्रूट्स भी लेकर के आए हैं। आज बहुत टाइम के बाद, मतलब जब से मैं घर आई हूँ तब से, तो अब मैं बाहर का मीठा खाने जा रही हूँ। और साथ में मैं जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये कोरोना चल रहा है, तब से मतलब 7 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं अब मैं खा रही हूँ। तो मैंने आज अपना वो प्रतिज्ञा तोड़ दी है और मैं जलेबियाँ खाने जा रही हूँ। तो आप लोग खा रहे हैं कि नहीं बताइएगा। वैसे सब लोग कहते हैं गरम गरम खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मुझे डर लगता था तो मैं नहीं खाती थी, अवॉइड करती थी। तो बस यहाँ पीहू बैठ गई हैं गर्मा गर्म जलेबी खाने के लिए। और पीहू बोल रही थी चिल्ला बन रहा है, बट नहीं चिल्ला नहीं, आज मम्मी बर्गर बना रही हैं। उसी के लिए टिक्की फ्राई कर रही थी, मतलब सेक रही थी। डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं बट हम लोग डीप फ्राई नहीं करते हैं, तवे पे ही सेक लेते हैं। तो ये देखिए अब मैं जा रही हूँ जलेबी खाने। तो बहुत टाइम हो गया मैंने कुछ खाया ही नहीं, ये सब जैसा लग रहा है इनके बिना मैंने जीना ही छोड़ दिया है, कुछ ऐसा लग रहा था। और आज जलेबी खा के बहुत अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा लगा और मुझे गर्मा गर्म जलेबी बहुत पसंद है। तो सच में आज मुझे जलेबी खा के बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, उसके बाद मैं जा रही थी आज फेस को अच्छे से पैम्पर करने। तो मैं वन ब्रांड स्किन केयर करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का फेस वॉश लिया है और एक फेस पैक है, साथ में ये टोनर है, ये भी गुड वाइब्स का है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्दी का फेस वॉश लिया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रही हूँ फेस वॉश करने के लिए। आपको दूर से दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने आपको शुरू में क्लोजअप दिखा दिया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस को अच्छे से गीला
कर लूँगी। और ये टर्मरिक है, हल्दी का है, तो बहुत अच्छा है। गर्मियों में आपकी स्किन को ये ब्राइट करता है, ग्लोइंग बनाता है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आप लेना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी पर्पल पे सेल चल रही है, जो कि 22 तारीख से 28 तारीख के बीच में रहेगी। आप चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप गुड वाइब्स के कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि 499 के ऊपर होंगे, तो आपको 100 रुपीज़ तुरंत ऑफ मिल जाएगा। और अगर 799 यानी कि 800 रुपये का सामान से ऊपर लेते हैं, तो आपको 200 रुपये तुरंत ऑफ मिल जाएगा। तो लिंक पे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए, मेरा यहाँ पे फेस वॉश हो गया है, और ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। जब आप इसको लगाते हैं, तो आपको एकदम टर्मरिक यानी हल्दी, ओरिजिनल हल्दी की स्मेल आती है। और मुझे भी इस समय हल्दी हल्दी सा ही स्मेल आ रही है, फील कर रही हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब मैं इसको हल्के से टॉवल से पोंछ लूँगी, ज़्यादा तेज़ी से रगड़ना नहीं है हमें अपने फेस को। मैं हमेशा आपको अपने वीडियो में बताती हूँ कि कभी भी फेस वॉश करिए या स्क्रब करिए, तो कभी फेस को रगड़िए नहीं, बस हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आप डैब डैब करके पोंछ लीजिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ फेस मास्क, तो ये भी गुड वाइब्स का है। ये देखिए, ये कैलेंडुला करके है, इसमें इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और ये काफ़ी अच्छा फेस मास्क है, और इसको जब मैं अप्लाई कर रही थी, इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो जो इसका ग्राम है वो 50 ग्राम है, और जिसका प्राइस है वो 225 रुपीज़ है। बट आप लिंक पे चेकआउट कर लीजिए, पर्पल पे सेल चल रही है, तो आपको काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाएगा। और ये ब्राइटनिंग जोन मास्क है, तो आपकी स्किन को अच्छे से ब्राइट करता है। इसमें पैराबिन नहीं है, ये क्रुएल्टी फ्री है। और जब मैंने इसको अप्लाई किया, उसके बाद मुझे अपना फेस बहुत ज़्यादा क्लीन और ब्राइट फील हो रहा था। अभी आप देखिएगा, इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होगी। तो बस मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट अपने फेस पे रखूँगी, और फिर उसको प्लेन वाटर से वॉश कर दूँगी। और इधर पीहू आई थी, वो कुछ बातें कर रही थी मुझसे, तो मैं उससे बातें करने लगी थी। तो बस चलिए, अब अपने फेस को सूखने दे, और पहले इस फेस पैक को अच्छे से लगा लीजिए। उसमें आप इसको नेक पर भी लगा सकते हैं, अच्छे से नेक कवर कर लीजिए, और फिर जब इसको 10 मिनट सूख जाए, फिर आप इसको अच्छे से प्लेन वाटर से वॉश कर दीजिए। तो मैंने फेस को देखिए वॉश कर लिया है, कितना क्लीन और जेंटल फील हो रहा है। बस अब मैं अब यहाँ लगाने जा रही हूँ गुड वाइब्स का सैंडलवुड रोज़वुड टोनर। ये बहुत अच्छा टोनर है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मतलब जब मैं फेस पर इसको लगा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही रिफ़्रेश फील हो रहा है, और एकदम चंदन की महक आ रही है, जैसे कि कहीं चंदन आपके आसपास ही रखा हुआ हो ऐसा है। और ये बहुत अच्छा टोनर है, आप चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस देखिए, मेरा फेस तैयार हो गया है, मैंने अपने फेस को अच्छे से पैम्पर कर लिया है। तो कभी कभी तो अपने लिए भी टाइम निकालना ही चाहिए, तो आज मैंने अपने लिए भी टाइम निकाल लिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सिंघाड़े पापा लेकर के आए थे, तो मम्मी ने इसे वॉश किया है, और इसे बॉईल करके इसका वो बनाएंगी क्या, अचार बनाने वाली हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अभी फ्रेश थे, और इसको मम्मी ने उबाल लिया है अच्छे से वॉश करके, इसके जो कांटे होते हैं कट करके, इसको कुकर में 1-2 सीटी लगा करके फिर इसे वॉश कर धुल दिया है, मतलब पानी ड्रेन कर दिया है। और अब इसे धूप में रख करके पानी सुखा लिया गया है, तो आप प्रोसेस समझ गए। उसके बाद जब ये सूख जाएगा, तब यहाँ पे मम्मी नमक डाल रही हैं, साथ में लाल मिर्च डालेंगी, और थोड़ी सी हल्दी यानी कि टर्मरिक डालेंगी, और इसमें डालेंगी सरसों का तेल। तो यहाँ पे ये अचार बन रहा है, सिंघाड़े का अचार, बहुत टेस्टी लगता है। मैं बहुत दिनों के बाद खाऊंगी, अब मम्मी बना रही हैं, तो वैसे मैंने पहले मैं खाती थी, लेकिन इधर बहुत टाइम हो गया, क्योंकि बहुत टाइम से सिंघाड़े का जब सीज़न होता है तब आना ही नहीं हुआ, और अब आए हैं तो बस यहाँ पे खाने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मम्मी ने अभी डाला है ऑयल, अब इसके बाद डालेंगी जो राई होती है ना, राई को पिसा हुआ, मतलब पीस के राई मम्मी ने रख रखा है, तो पिसी हुई राई डालेंगे, सरसों, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसमें कुछ हरी मिर्च डाल देंगी, खड़ी हरी मिर्च, और साथ में गार्लिक। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं, लहसुन, तो आप ना डालिए, तो भी ये बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो कैसा लगा आपको सिंघाड़े के अचार की रेसिपी, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। और आप लोग में से कितने लोग हैं जो सिंघाड़े का अचार जानते थे और बनाते हैं और खाते हैं, बताइएगा मुझे कमेंट करके।
तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ मम्मी ने मिक्स करके रख दिया है। अब इसको थोड़ी देर धूप में रखेंगे। और यहाँ मम्मी ने कट करके रखा है वाटरमेलन। तो वाटरमेलन वैसे अभी इस सीज़न में आता नहीं है, बट पीहू को बहुत ज़्यादा वाटरमेलन पसंद है, आप सभी को पता ही होगा। तो पापा कहीं से ढूंढ करके ले करके आए हैं उसके लिए, तो वही मम्मी ने यहाँ पर कट किया है और मैं इसको रख रही हूँ खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए धूप में रख दिया गया है अचार को। तो 2-3 घंटे अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो भी ये अच्छे से अचार बन जाता है। तो बस यहाँ पे इसको धूप पे रख दिया गया है। तो इधर मेरा एक पार्सल आया है, वो मैं लेकर के ऊपर जा रही हूँ। और मैंने इसका बैक साइड दिखाया है क्योंकि उसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ है इसीलिए। तो बस चलिए इसको ऊपर लेके चलती हूँ। और अभी यहाँ पे शाम हो गई है, पीहू यहाँ पे अपना इवनिंग मिल्क पी रही है शाम को। और यहाँ पे देखिए वो अपना राइम्स लगा के देखती जा रही है, साथ में दूध भी पीती जा रही है। इसके बाद बस मैं पीहू को लेके बैठूँगी पढ़ाने के लिए। तो चलिए बस इसी के साथ आज के व्लॉग को फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।